पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेहुल कुशल को पहेलियां सॉल्व करके आइस से निकाल लेता है। फिर कुशल और मेहुल पहली तीर की तलाश में हिमालय की तरफ निकल पड़ते हैं। रिया हवेली में आगे बढ़ती है। वहाँ जगदा भूतों की दुनिया में और धमाका मारियो वर्ल्ड में फंसा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। कुशल और मेहुल हिमालय में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में तीन मंदिर मिलते हैं। मंदिर के बाजू में एक तालाब है जो एक मैजिकल तालाब है जिसमें फूल डबल हो जाते हैं। कुशल और मेहुल के पास कुछ फूल है, वो तालाब में डालते हैं, डबल करते हैं और पहले वाले मंदिर में चले जाते हैं। कुछ फूल वहाँ चढ़ाते हैं, वापस बाहर आते हैं, बचे हुए फूलों को तालाब में डाल के डबल करते हैं और फिर दूसरे मंदिर में जाते हैं। वहाँ वापस उतने ही फूल चढ़ाते हैं जितने पहले मंदिर में चढ़ाए थे। वापस बाहर आके फूल डबल करते हैं और तीसरे मंदिर में जाते हैं। तीसरे मंदिर में वापस उतने ही फूल चढ़ाते हैं जितने पहले और दूसरे मंदिर में चढ़ाए थे और यहाँ उनके फूल खत्म हो जाते हैं। तो आप बताएं, कुशल और मेहुल के पास शुरुआत में कितने फूल थे और उन्होंने मंदिर में कितने फूल चढ़ाए? आंसर के लिए वीडियो को पॉज करके सोचें और आपका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि कुशल के पास शुरुआत में 7 फूल थे। अब आप बताएं कि कुशल ने कितने फूल मंदिर में चढ़ाए होंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुशल के पास 7 फूल थे और मंदिर में उसने 8 फूल चढ़ाए। पहले कुशल के पास 7 फूल थे, मैजिकल तालाब से 14 हो गए। उसने पहले मंदिर में 8 चढ़ाए तो उसके पास 6 बच गए। उसने मैजिकल तालाब से वापस डबल करके उसको 12 कर लिया। फिर दूसरे मंदिर में उसमें से 8 चढ़ाए तो 4 बच गए। फिर बचे हुए को मैजिकल तालाब से वापस 8 कर लिए और तीसरे मंदिर में चढ़ाए तो लास्ट में उसके पास 0 फूल बचे। मेहुल और कुशल हिमालय में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक दानव मिलता है। दानव कुशल और मेहुल को बोलता है, तुम लोग यहाँ से आगे तभी जा पाओगे जब तुम मेरी पहेली का आंसर करोगे। और वहाँ गोगो मुंबई सिटी में चोरियां शुरू कर देता है। वो बैंक एक्स के लॉकर को तोड़ने पहुंच जाता है। बैंक एक्स का लॉकर तोड़ने के लिए गोगो को नॉब को करेक्टली घुमाना है। अगर गोगो ने रॉन्ग तरीके से घुमाया तो ब्लास्ट हो जाएगा। गोगो को बताना है इन पिक्चर में से कौन सा ऑड वन आउट है। इस पहेली को ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए कि आंसर ए बी सी डी या ई में से क्या है। चलिए आपको एक हिंट देते हैं। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है और इनमें से एक ऐसा पिक्चर है जो किसी का भी मिरर इमेज नहीं है, वो ऑड वन आउट है। तो अब आप बताइए कि वो कौन सा पिक्चर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डी का मिरर इमेज है और सी ई का मिरर इमेज है तो ऑड वन आउट हो जाएगा बी। गोगो जैसे ही बी की तरफ नॉब घुमाता है लॉकर खुल जाता है। मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से खो खो। गोगो लॉकर से पूरा पैसा निकाल के भागने लगता है। पुलिस गोगो का पीछा करना शुरू करती है लेकिन कंफ्यूज हो जाती है कि गोगो की कार कौन सी है। वहाँ से 3 कार निकलती है एक जैसी,
005, 006 और 007। पर गोगो है पहली मास्टर, वो पुलिस के लिए छोड़ देता है एक हिंट। अगर पुलिस ने इसे सॉल्व कर दिया तो वो गोगो की कार समझ लेगी। पुलिस को समझना है कि पिक्चर में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर पुलिस ने ये समझ लिया तो वो गोगो की कार को समझ लेंगे। क्या पुलिस ये बता पाएगी? आपको क्या लगता है गोगो की कार का नंबर कौन सा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले चार पिक्चर है 1, 2, 3, 4, तो पांचवा पिक्चर हो जाएगा 5। मतलब गोगो की कार का नंबर है 005। पुलिस ये नहीं समझ पाती है और गोगो बड़ी आसानी से वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ कुशल और मेहुल दानव के पास फंसे हुए होते हैं। दानव उनसे पहेली पूछता है। मेरे सामने व्हाइट और ब्लैक स्टोन्स पड़े हुए हैं। मैं इनमें से एक व्हाइट और एक ब्लैक स्टोन मेरे पॉकेट में डालूंगा। तुम्हें बस एक बार में व्हाइट स्टोन निकालना है। अगर तुमने निकाल लिया तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, और अगर नहीं निकाल पाया तो तुम्हें खा जाऊंगा। दानव चालाकी करता है और रखते समय दोनों ब्लैक स्टोन अपने पॉकेट में रख लेता है। कुशल ये देख लेता है। दानव कुशल को बोलता है, मेरे पॉकेट से अब एक बार में व्हाइट स्टोन निकाल के बताओ। और कुशल ये कर लेता है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले इस पहेली पे जरूर सोचिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुशल ने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने दानव के पॉकेट में से एक स्टोन निकाल के नीचे फेंक दिया और बोला, गलती से स्टोन नीचे गिर गया है। चलो आपके पॉकेट में देख लेते हैं कौन सा स्टोन बचा हुआ है। अगर पॉकेट में व्हाइट स्टोन रहा मतलब मैंने ब्लैक स्टोन निकाला था, और अगर आपके पॉकेट में ब्लैक स्टोन रहा मतलब मैंने व्हाइट स्टोन निकाला था। ऐसी समझदारी से कुशल वहां से बच जाता है। दानव ऐसी चतुराई देख के चिढ़ जाता है और मेहुल और कुशल को एक पेड़ पे लटका देता है। अब मैं तुम दोनों को इस पेड़ पे लटका के जा रहा हूँ। नीचे आग लगी हुई है। अगर कुशल तुमने रस्सी खींचने की कोशिश की तो मेहुल ऊपर आएगा और तुम्हारी रस्सी में नीचे आग लग जाएगी, और अगर मेहुल ने रस्सी खींचने की कोशिश की तो कुशल ऊपर आएगा और मेहुल की रस्सी में आग लग जाएगी। तो अब दोनों कैसे बचेंगे? क्या आप बता सकते हैं दोनों कैसे बचेंगे? आंसर देखने से पहले इस पहेली पे जरूर सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल कुशल दोनों स्मार्ट है। दोनों ने दिमाग लगाया और सोचा कि दोनों अगर साथ में ऊपर आएंगे एक साथ तो कोई भी रस्सी नीचे नहीं आएगी और दोनों बड़ी आसानी से ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करके दोनों बच जाते हैं और दोनों दानव की कैद से बच के निकल जाते हैं और हिमालय में आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या कठिनाई आएगी कुशल और मेहुल को, और क्या हो रहा होगा धमाका सिंह और जग्गा के साथ मारियो वर्ल्ड और भूतों की दुनिया में, देखते हैं अगले वीडियो में। कुशल के बाकी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और रिया पहेली के वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप अगला वीडियो